दोस्तों, वैसे तो लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर को काफ़ी कम ही हंसते हुए देखा जाता है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के बाद गंभीर ने रिंकू सिंह के साथ कुछ ऐसा किया जिसने सबका दिल जीत लिया। केकेआर और लखनऊ के बीच खेला गया मैच बहुत रोमांचक था, जिसमें लखनऊ ने 2 रनों से मुकाबला जीत लिया और प्लेऑफ्स में जगह बना ली। रसेल का विकेट गिरते ही केकेआर के फैंस ने उम्मीदें छोड़ दी थी और ऐसा लगने लगा कि केकेआर ये मैच बुरी तरह हार जाएगी, लेकिन रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता को लक्ष्य के करीब ले गए। आखिरी ओवर में कोलकाता को 20 रनों की ज़रूरत थी, तब रिंकू सिंह ने मार्कस ट्वाइनिस की पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर छक्का और तीसरी गेंद पर फिर से छक्का लगाया। चौथी गेंद पर भी उन्होंने करारा प्रहार किया, लेकिन गेंद फील्डर के हाथ में थी। रिंकू ने 2 रन ले लिए। 4 गेंदों पर 18 रन लूटने के बाद केकेआर को जीत के लिए 2 गेंदों में 3 रनों की ज़रूरत थी। 5वीं गेंद पर भी रिंकू ने बड़ा शॉट खेला, लेकिन कैच हो गए और आखिरी गेंद पर स्ट्वाइनिस ने उमेश यादव को भी बोल्ड कर दिया। रिंकू के आउट होने से मैच पलट गया और केकेआर हार गई, और रिंकू ये बात जानते थे, इसलिए आउट होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू दिखे। लेकिन फिर मैच के बाद लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर ने कुछ ऐसा किया जिसने सबका दिल जीत लिया। गंभीर ने मैच के बाद रिंकू से काफ़ी देर बातचीत की। गंभीर इस दौरान रिंकू को कुछ समझाते हुए नज़र आए। विरोधी टीम के मेंटोर होकर भी रिंकू को इस तरह टिप्स देना, इसने सबका दिल जीत लिया। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा गंभीर का ये अंदाज, कमेंट करके ज़रूर बताएं।